केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। यूपी में पुलिस परीक्षा के बाद अब CSIR NET पेपर परीक्षा में भी धांधली सामने आई है। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को अचानक यूपी STF की टीम ने छापा मारकर इस धांधली को सामने ला दिया। छापेमारी के दौरान टीम को सर्वर रूम में TCS के कर्मचारी के पास से मोबाइल मिला, जिसमें 15 स्टूडेंट्स के रोल नंबर थे और उनके सिस्टम का IP एड्रेस भी था। STF ने 3 कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यूनिवर्सिटी के एडिशनल रजिस्ट्रार सैयद जफर हुसैन ने कहा है कि उन्होंने एग्जाम कराने वाली संस्था TCS को किराए पर लैब दिया था। एग्जाम कराने की पूरी जिम्मेदारी उस पर थी। STF ने जिन 3 कर्मचारी को गिरफ्तार किया है उसमें उस्मान, अरुण शर्मा व एक अन्य शामिल है। STF चीफ और ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने यह जानकारी मीडिया को दी। आज दिनांक 26/7/2024 को एक गोपनीय सूचना के आधार पर CSIR नेट के एग्जामिनेशन सेंटर सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में STF द्वारा एक सर्च अभियान चलाया गया। सर्च के दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले, जिसमें एनी डेस्क रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल किया हुआ है। इसके साथ ही एग्जाम कराने वाले कर्मचारी अरुण से एक मोबाइल प्राप्त हुआ। उक्त मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम की IP। इस IP को सेंटर के बाहर एक व्यक्ति को शेयर किया गया था, जिससे इन अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर किया गया। इनके प्रश्न पत्र को बाहर से सॉल्वर द्वारा दिनांक 25/7/24 यानी कल भी प्रथम और द्वितीय पारी में CSIR नेट के एग्जाम में 11 अभ्यर्थियों के नाम मोबाइल के डिजिट फाइल से प्राप्त हुए हैं। इसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।